नमस्कार सभी किसान साथियों को। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक के ऊपर बात करेंगे और एक किसान साथी हमारे साथ हैं जो लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उसके अंदर अपने खेत में अनेक तरह की फसलें उगाते हैं और इन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिला है। कहीं पे हमने सुना है कि भी ऑर्गेनिक करने से पैदावार घट जाती है, इनकी काफी मात्रा में पैदावार बढ़ी है, तो इनका ऐसा क्या तरीका है जिसके बेसिस पे ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं और अच्छी पैदावार लेते हैं, इसी बारे में हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो भी दर्शक साथी अपन देख रहे हैं जी, उन्हें एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दो अपना जी। मेरा नाम तकदीर सिंह, गाँव सरोला, जिला झज्जर है। ठीक जी। आप कितने समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? हम अक्टूबर 2016 से हमने जैविक खेती शुरू की थी। आपने जिसकी जरूरत क्यों महसूस हुई जी, अपने इसमें क्यों आए? एक बार हमने धान में कोई कीटनाशक का स्प्रे किया था। अच्छा। तो हमने उस कीटनाशक का स्प्रे करने में देखा कि हमें बहुत से जीव जंतु, सांप वगैरह छोटे छोटे और बहुत से ऐसे मित्र कीट मरे हुए दिखाई दिए। उसी दिन से हमने प्रेरणा कर ली थी अब भाई हम इस केमिकल को छोड़ेंगे और जैविक खेती शुरू करेंगे। हमने राजीव दीक्षित भाई की यूट्यूब चैनल देख के तब हमने जैविक खेती की शुरुआत की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और हमारी खेती गो आधारित खेती है प्रकृति की। तो आपने शुरुआत कैसे करी थी जी, आपने कौन कौन सी खाद डालनी छोड़ दी और कौन कौन सी शुरू करी जी? हमने जितने भी केमिकल थे सभी छोड़ दिए। हमने जीवामृत डालते हैं लगभग जितना हो जाए, कम से कम एक एकड़ में ये मानो हम 1000 लीटर तो जीवामृत दे देते हैं और लगभग 15 से 20 क्विंटल हम घन जीवामृत तैयार करके एक एकड़ में लगाते हैं। और हम गाय रखते हैं, हमारे पास 2 गाय हैं देशी, और हम उन गाय के गोबर से जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं और उसके गौमूत्र से हम कीटनाशक बनाते हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक बाजार से मोल लेके नहीं आते। हमने अपने घर पे ही 200 लीटर गाय का गौमूत्र के अंदर लगभग 15 किलो नीम के पत्ते, 15 किलो निमोली और 10 किलो आटा, 10 किलो धतूरा और कुछ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और भांग वगैरह कूट के डाल रखी है। और लगभग हम 20 लीटर की टंकी में 0.5 लीटर से 1 लीटर डाल मिला के हम गन्ने के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। इससे हमारी सभी प्रकार के कीटनाशक की रोकथाम हो जाती है। ठीक ठीक जी। तो जैसे आपने बताया भी घन जीवामृत और जीवामृत, वो कैसे तैयार करते हो? हम घन जीवामृत को छाया के अंदर डाल के, छाया ना भी हो तो हम उसके ऊपर घास फूस वगैरह गोबर पे डाल देते हैं। उस गोबर में हम कुछ गुड़ मिलाते हैं, कुछ खट्टी लस्सी मिलाते हैं, कुछ गाय का गोमूत्र होता है, कुछ बेसन भी हो जाता है, कुछ संजीवनी मिट्टी हो जाती है, उसको हम उसके ऊपर डाल के और उसको गोबर को अच्छी तरह कस्सी से काट देते हैं और उसको 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 15 दिन के बाद फिर हम एक काट लगा देते हैं और 15 दिन के बाद फिर इस तरह से हमारा वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे चाय की पत्तियां तंबाकू की तरह बिल्कुल हल्का भुरभुरा। इस घन जीवामृत में वो पोषक तत्व हैं जो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी पोषक तत्व बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ति कर दे, पूर्ति कर देता है। स्टार्टिंग में हमारा जो है गेहूं की प्रोडक्शन डाउन आई, लगभग हम अनजान थे। अच्छा। हमें इतना ज्ञान नहीं था। लगभग हमारा 10 से 12 मन प्रति क्विंटल यानी 4 से 5 क्विंटल। उस नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन 8 क्विंटल पे पहुंचा। अब की बार हमारा प्रोडक्शन 10 से 11 क्विंटल पे पहुंच गया है। अच्छा जी। प्रति एकड़। और हमारे पास बंसी गेहूं होता है और हम बेड पे तो गेहूं लगाते हैं और नाली में गन्ना लगाते हैं। अच्छा, तो और अब गेहूं की हमारी मल्टी क्रॉपिंग होती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पिछले साल हम चना नहीं लगाए, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कम से कम एक फसल हम 3 फसलें लगाते हैं। चना जो है गेहूं में नाइट्रोजन का काम करता है, गन्ने और गेहूं को दोनों को नाइट्रोजन दे देता है। चना बहुत जरूरी है, उनकी भी बंटवारा अच्छी हो जाती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी निकलती है जी। जो जी आप गेहूं और ये चना बता रहे हो, आपके किस भाव में बिक जाते हैं? गेहूं और चना हमारा लगभग मिक्सिंग में 5,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से जा रहे हैं। हम घर से ही हमारा सारा सामान बिक जाता है, हम मार्केट में कोई सामान बेचने नहीं जाते क्योंकि अच्छी चीज हो, मार्केटिंग अपने आप हो जाती है, अपने आप हो जाती है। तो जो आप जैसे गन्ना कितने एकड़ में उगा रखा है? अब की बार हमारे पास, पिछले साल हमारे पास लगभग 2.5 एकड़ में था, अब की बार हमने 4 एकड़ में गन्ना तैयार कर रखा है। और गन्ना बीज के लिए तैयार किया था हमने, लगभग हमारा गन्ना मार्केट में किसान भाइयों को हमने 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का बीज बेचा था। अच्छा। और अब की बार हमारे पास ये है, हम शुगर मिल में एक पेड़ भी गन्ने का नहीं डालते। हमारा
यहीं पे ही हम अपने गन्ने का सारे का गुड़ खांड शक्कर बनवाते हैं और हमारा घर से ही बिक जाता है। चलो बहुत अच्छी चीज है जी। तो किसान भैया ने क्या संदेश देना चाहो? किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहूँ भाई, आप केमिकल के ऊपर कब तक आधारित रहोगे? हमने स्टार्टिंग में जब हमने किस खेती शुरू की तो हम एक कट्टा आधा कट्टा डीएपी का और एक कट्टा यूरिया का डालते थे, एक फसल में ही काम डालने काम चल। लेकिन जब से हमने देखा भाई धीरे धीरे हम लगभग 5 से 6 कट्टे तो यूरिया के चले गए दोनों फसलों पर और 3 कट्टे लगभग हमारे डीएपी के चले गए, यानी प्रोडक्शन घटती गई और रासायनिक की मात्राएं बढ़ती गई। हमने इसलिए अब इसमें हमने धीरे धीरे ऐसे हमारे अंदर माटी भुरभुरी हो जाती है कि माटी के अंदर एक अलग ही खुशबू आती है, जब बारिश होती है ना तो उसके अंदर एक अलग ही प्रकार की खुशबू होती है और इसके अंदर हमारे खेत के अंदर इतने देसी केचुए पैदा हो गए कि अब इससे आगे हमें कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं, सारे पोषक तत्व तो हाँ वही कर देंगे। ये लगभग जमीन में ये मानो 8-10 फुट नीचे तक जाते हैं और दूसरे रास्ते से 8-10 फुट तक वापिस आते हैं। बिल्कुल, उससे ना जमीन हाँ उपजाऊ हो जाती है और जमीन के अंदर छिद्र हो जाते हैं, पानी पीने की जमीन की क्षमता बढ़ जाती है और जमीन की जो एक लेयर होती है ना स्टेप बहुत कठोर, उसको ये कैचवे ही तोड़ सकते हैं। और जितना हमने केमिकल डाला उससे ही हमारी धरती के माता के अंदर कैचवे खत्म हुए। लोग जो है हम ये कहते हैं कि आप रासायनिक खेती करते हो, करोड़ों जीव मार के अन्न पैदा करते हो, हम धरती माता में करोड़ों जीव उत्पन्न करके फिर अन्न पैदा करते हैं। उसमें जो उत्पादन होता है जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है जी, उसके आप वाले के गुण बहुत ज्यादा होंगे। हाँ हमारे जो खाना है उसको खाने में कुछ आनंद ही अलग है गेहूं की। और रही बात ये गन्ना, लगभग हमारा 300 क्विंटल निकल जाता है प्रति एकड़ और ये मानो कि लगभग हमारे एक खेत में लगभग 35 से 40 क्विंटल गुड़ की आउटपुट आती है, क्विंटल गुड़ निकलता है और हम उसको 100 रुपए किलो बेचते हैं। तो ये मानो कि अगर हमारा 3.5 से 4 लाख रुपए का गुड़ निकल जाता है, खर्चा निकाल के लगभग हमें 2.5 से 3 लाख रुपए की प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे पास जैसे 55,000 का तो 60,000 का तो गेहूं हो गया और लगभग ये मानो 3-3.5 लाख का गुड़ हो गया, तो उसकी अगर हम शेविंग मान के चले तो लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ हमारी शेविंग आ जाती है। और कोई इसमें ज्यादा स्टार्टिंग में अगर किसान भाई करेंगे ना थोड़ा करो, किसी किसान भाई के पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ से शुरुआत करे, अगर करेगा तो 1 एकड़ में बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं घटेगी हमारी, पूरे तरीके से करना चाहिए। तो इसको तरीके से करो, अच्छी तरीके है। राजीव दीक्षित भाई ने जो पद्धति बताई है वो बहुत अच्छी पद्धति है, हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। हमने पड़ोस वाले खेत में एक कट्टे में तो यूरिया डाला था और एक कट्टे में हमने गौमूत्र का स्प्रे किया, 15 दिन के बाद यूरिया वाले ने ये कह दिया मेरे को नाइट्रोजन की और आवश्यकता है, लेकिन गेहूं जब तक हमारा पका तब तक हमने 25 लीटर जिस गेहूं में स्प्रे किया था ना उसने लास्ट तक ये नहीं कहा भाई हमारे को नाइट्रोजन की। और हमने दोनों के पत्तों को धूप में तोड़ के रखा भाई, किस ये देखते भी पहले कौन से पत्ते की जो कैपेसिटी जो है कम होती है, लेकिन जो हमने यूरिया डाला था उसकी कैपेसिटी बहुत जल्दी कम होगी और जिसमें हमने गौमूत्र डाला था जैविक पत्ती जैसा किया था उसकी कैपेसिटी बहुत लंबे टाइम तक रही, वो पत्ता बहुत लंबे टाइम तक सुरक्षित रहा। और इसके अंदर हम गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, गौमूत्र भी हमारा बहुत सहायक है कीटनाशक को रोकने के लिए और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ये हमारा देखो गन्ना हरा भरा और कितना सुंदर खड़ा है। और भी खेत देखे हैं तो उनकी बजाय आप वाले की ग्रोथ भी ज्यादा है। अगर हम गन्ने की डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं तो हम बड़ी मुश्किल से 6 से 8 क्विंटल गन्ना ही बिजाई करते हैं और अगर हम गन्ने की नर्सरी ही तैयार करते हैं तो हम मात्र 1.5 क्विंटल गन्ने की नर्सरी से तैयार करके हम गन्ने का बीज तैयार करके हम लगाते हैं और हम गन्ने की नर्सरी की बिक्री भी करते हैं, हम 5 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से हम गन्ने का पौधा भी तैयार करके दे रहे हैं। अच्छा, अब नर्सरी तैयार करके हमने जो है लगभग 6 एकड़ में गन्ना लगाया, लगभग 2 एकड़ का हमारा दूसरी फल्डी डेरी है उसमें केमिकल का है, मजबूरी है क्योंकि चारों तरफ धान लगे और वहाँ पानी आ जाता है, इसलिए ये हमारी जो 7 एकड़ जमीन है ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है और हम लगभग 6 एकड़ की जो हमने नर्सरी तैयार करके लगाई है हमने लगभग 10 क्विंटल का हमारा गन्ना नहीं लगा, जबकि आम किसान अगर 6 एकड़ में गन्ना लगाता तो ये मानो कि 150 से 200 क्विंटल गन्ने तक बिजाई में लगा देता। और अगर हम अगर गन्ने की एक एक आंख करके लगाते तो इसमें ये था 50-60-70 क्विंटल तक गन्ना बड़े आराम से लग जाता, तो कितना अंतर है आम के, जबकि आम किसान गेहूँ की बिजाई करता है तो उसमें लगभग 50 से 60
किलो गेहूं का बीज डाल देता है, लेकिन हम बड़ी मुश्किल से 20 से 25 किलो ही गेहूं की बिजाई करते हैं और पैदावार भी अच्छी आती है। तकदीर जी ने यह भी बताया है कि पहले केमिकल आधारित खेती करते थे, उस टाइम पे इन्हें अपने खेत में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, लेकिन ऑर्गेनिक खेती शुरू करने के बाद 40 से 50% पानी की आवश्यकता इनके खेत में कम हो गई है। इनका कहना यह है कि ऑर्गेनिक खेती में पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, कुदरती तौर पे ही पानी की पूर्ति खेत में बनी रहती है। मेरा किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि वो हैरो से कम जुताई करवाएं। हैरो की जुताई करवाने हमारे जो मित्र जीव है देसी केंचुए वो कट जाते हैं और हमारे बहुत भारी नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि किसान भाई दिन के समय जुताई ना करके रात को जुताई करें, क्योंकि दिन के जुताई करते हैं तो मैंने खुद देखा है बुगले बहुत आ जाते हैं और हमारे देसी केंचुओं को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें बहुत भारी नुकसान होता है। भाई किसान भाई रात को ही जुताई करने की कोशिश करें। जैसे ये वीडियो देख के जी कोई आप तो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहो, वो कैसे खरीद सके है जी? प्रोडक्ट मेरा फोन नंबर है 97-28-52-13-66। अच्छा जी, हाँ। और वैसे यहाँ के लेना चाहो तो जी पूरा एड्रेस बता दो। मेरा गांव सरोला, जिला झज्जर, हरियाणा। साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें और कई थोड़ी जगह में जरूर शुरुआत करें, क्योंकि हमें जरूरत है इस चीज की। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित नहीं है अगर हम ऐसे ही अपनी फसलों के अंदर रसायन डालते रहेंगे। तो थोड़ी जगह में मैं भी शुरुआत करूंगा और थोड़ी जगह में आप भी शुरुआत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।